नमस्कार, मैं हूं संदीप पुंडी और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। खबरों के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने हूं। हसाइन क्षेत्र के गांव खेटौली में देर रात बारिश के दौरान गिरी दीवार। दीवार गिरने से दो भाई और उनके तीन बच्चे दबे दीवार के नीचे और गंभीर रूप से हुए घायल। शोरगुल की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने किया बचाव। परिजनों द्वारा लाया गया सभी घायलों को जिला अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने एक भाई को किया मृत घोषित। वहीं दूसरे भाई और तीन मासूमों का जिला अस्पताल में उपचार जारी। घटना स्थल पर पहुंचे सिकंदरा राव SDM विजय शर्मा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमी सिंह है। क्या हादसा हुआ आपके घर पर? हमारे घर पर बताओ, दीवार के नीचे जी सो रहे और दीवार गिरा पड़ी और जी दबे गए। कितने लोग दबे थे? पांच। सबके चोट आई? सबके चोट आई, एक भाई खत्म है। एक भाई खत्म हो गया। क्या नाम उनका? क्या उम्र होगी? मैं ग्राम प्रधान खटवाली जी। रात लगभग 2:30 बजे बारिश आई थी जी, और 25-30 साल पहले एक कच्ची वो थी, उसमें एक परिवार के 5-6 लोग सो रहे थे जी, और उनके बहुत गंभीर चोटें आई हैं जी, और एक उसमें बागला हॉस्पिटल ले गए थे जी, और चारों की चोट है। एक धर्मेंद्र कुमार को मृत घोषित कर दिया गया है। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम किशन पाल सिंह है। हसाइन क्षेत्र में दीवार गिरने से कुछ घायल आए हैं, क्या है पूरा मामला? हाँ देखिए, ये लोग बता रहे थे कि बरसात की वजह से उनके घर में दीवार गिर गई है, जिससे दफ्तर के जो है एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और चार लोग घायल हैं। क्या किसी को रेफर किया गया है? नहीं, रेफर किसी को नहीं किया गया, पर एक मृत अवस्था में आया है। आज रात को लगभग 2:30 बजे के आसपास जी, ये तेज बारिश से उनका धर्मेंद्र तनाव बाबू सिंह का जी कच्चा घर जो ईंट की दीवार का बना हुआ था जी सर जी, वो गिर गया। उसके नीचे 10 से 5 लोग घायल हो गए थे, जिसमें से धर्मेंद्र की हाँ बागला हॉस्पिटल में डेथ हो गई है और बाकी का ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक सर। तो मित्रों, अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के साथ साथ अपने आसपास की खबरों के लिए आप जुड़े रहें समाचार एक्सप्रेस के साथ।